हेलो गाइज हाउ आर यू गाइज आई होप गाइज ऑल आर डूइंग गुड एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे रिफ्लेक्स के बारे में और रिफ्लेक्स क्या होता है ना इन वोल्ट्री टू स्टिमुली जैसे आपका आई का सामने कोई पार्टिकल आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो आई लीड होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है तो क्योंकि वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये मोटर रेस्पॉन्ड करता है रैपिडली होता है तो इसी पूरी वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड रिफ्लेक्स आर कंपोनेंट्स एंड कितना नंबर ऑफ़ द दीनाप्स कितना फॉर्मेशन करता है तो उसी बारे में देखेंगे इसी पूरी वीडियो पे ओके तो चलिए शुरू करते हैं पहले देखेंगे हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन आप देख सकते हो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन थ्री पार्ट में डिवाइड किया हूँ जैसे सेंसरी इंटरन्यूरन एंड मोटर न्यूरॉन ओके तो इसी फिगर पे आप सब देख सकते हो ये हो गया सेंसरी न्यूरन ये होता है मोटर न्यूरन दोनों के सेंसरी एंड मोटर के बीच में रहता है इंटर न्यूरन ओके तो आप देख सकते हो सेंसरी क्या होता है ना सेंसरी रिसेप्टर टू सी एन एस हो गया सेंसर न्यूरन देन इंटर न्यूरन क्या होता है हमारा सेंसरी न्यूरन एंड जो मोटर न्यूरन होता है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है इंटर न्यूरन ये एक्सीटाटोरी भी हो सकता है और इनिविटरी हो सकता है देन मोटर मोटर क्या होता है ना ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गैन जैसे अगर मसल फाइबर या ग्लैंड तो ये होता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन, ओके देन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क तो कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क में आप देख सकते हो जैसे रिसेप्टर होता है रिसेप्टर क्या होता है कोई सिग्नल जहाँ पे रिसीव करता है तो वही ऑर्गैन को कहते हैं रिसेप्टर ओके रिसेप्टर होता है साइट स्टिमुलस एक्शन इसी पे देन है, आफरेंट. आफरेंट क्या होता है टू द सीएनएस एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ना इंटीग्रेशन सेंटर तो स्पाइनल कॉर्ड होता है इंटीग्रेशन सेंटर किसका बीच में रहता है एंड मोटर का बीच में देन इफेरेंट इफेरेंट ये हो गया मोटोर ऑर्गन हो. होता है मोसलिया फाइबर जहाँ पे हमारा कोई एक्शन शो करता है ओके तो इसी पे आप देख सकते हो रूट रूट एंड रूट ओके डोर्सल रूट होता है क्या सेंसरी एंड वेंट्रल रूट होता है मोटर और सेंसरी रूट पे एक गैंग्लिया होता है गैंग्लिया क्या होता है द ग्रुप ऑफ द न्यूर सेल बॉडी प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सीएनएस रहता है उसको गैंग्लिया बोलते हैं एंड द ग्रुप ऑफ द न्यूरोन सेल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सी तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लिया आई जितना हमारा सेंट्रल नर्वस के अंदर जितना पाथवे रहता है उसको बोलते हैं ट्रैक एंड जो बाहर में रहता है बाहर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो होता है नर्व फाइबर ये दोनों चीज़ को याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सीनाप्स कितना सीनाप्स फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो क्लासिफिकेशन थ्री पार्ट में क्या हुआ है देख सकते हो मोनोसिनाप्टिक बाईसिनाप्टिक एंड पोलिसनाप्टिक तो मोनोसिनाप्टिका हो क्या होता है ना सेंसरी ये सेंसरी एंड मोटर नर्वस न्यूरॉन होता है जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन बीच में कोई इंटरन्यूरन फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसलिए वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सेंसरी टू मोटर मोटरोन्यूरन तो ये हो गया मोनोसिनाप्टिक ओके तो बाईसिनाप्टिक क्या होता है ना ओनली इंटर वन इंटरन्यूरन बीच में रहेगा ओनली इंटर इंटरन्यूरन वन रहेगा तो ये हो गया हमारा बाईसिनाप्टिक एंड पोलिसनाप्टिक में क्या होता है ना बहुत सारे रहते हैं मीन्स मोर देन वन तो इसी पर टू है आप देख सकते हो वन हो गया टू हो गया टू टू इंटर इंटरन्यूरन है तो वो हो गया हमारा पोलिसनाप्टिक ओके देन देख सकते मोनोसिन एक्टिव पे स्ट्रेस रिफ्लेक्स एंड बाइसिन एक्टिव में डीप रिफ्लेक्स एंड पॉलिसिन एक्टिव में सुपरफिशल रिफ्लेक्स ओके तो हमारा स्ट्रेस रिफ्लेक्स में जाएगा टेंडन रिफ्लेक्स न्यूजर्क इफेक्ट एंड एंकल जर्क इफेक्ट ओके देन सुपरफिशियल पे उसी तरह का देख सकते हो तो प्लांटर रिफ्लेक्स कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड कॉन्जक्टिवा रिफ्लेक्स एंड डीप रिफ्लेक्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स ये दोनों सेम ही होता है क्योंकि नी जर्क इफेक्ट में दोनों डीप का भी यूज होता है एंड स्ट्रेस रिफ्लेक्स का भी यूज होता है बाद में वो देखेंगे अलग एक फिगर पर देखेंगे उसी तरह का आप देख सकते हो तो जो रिफ्लेक्स होता है टू टाइप्स का होता है रिफ्लेक्स टू टाइप होता है एक होता है अनकंडीशनल एक कंडीशनल होता है आप देख सकते हो इंट्रेंसिक और एक्वाड मीन्स uh, क्या होता है अनकोन्डिशनल रिफ्लेक्स पे जैसे इनबर्न क्वालिटी होता है इनबर्न क्वालिटी जितना भी रहता है वो हो गया हमारा अनकंडिशनल रिफ्लेक्स एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स में आपका खुद को स्किल डेवलप करना है जैसे स्विमिंग करना है ड्राइविंग करना है ये सब होता है हमारा कंडीशनल रिफ्लेक्स पे कंडीशनल रिफ्लेक्स और उसी के जैसे स्ट्रेस रिफ्लेक्स डीप रिफ्लेक्स सुपरफिशियल रिफ्लेक्स उसी तरह का और एक रिफ्लेक्स होता है विसेेरल रिफ्लेक्स तो भिसेरल रिफ्लेक्स क्या, तो क्या होता है ना ओनली वन एंड ओनली जैसे इसी पे टू एंड है तो ओनली वन एंड क्या होता है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी समझा दिया था जैसे पारा वर्टिब्रल गांगलियन एंड प्री वर्टिल गांग्लियन तो उसी पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक का यूज होता है उसी तरह का इसी पे विससेरल रिसेप्टर हार्मोनल एक्टिविटी होता है एग्जाम्पल है पुपिलर रिफ्लेक्स एंड कारोटेर साइनस रिफ्लेक्स एंड टाइप ऑफ न्यूरोन कौन सा टाइप का न्यूरन है तो ये भी बहुत जरूरी है टाइप ऑफ न्यूरो ओके तो आप देख सकते तो यूनिपोलर यूनिपोलर बाइपोलर इसी फोर टाइप्स हैं एक यूनिपोलर बाईपोलर सीडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर तो यूनिपोलर पर क्या होता है वन ऑक्जन रहेगा डेंड्राइड नहीं रहेगा सी बाईपोलार पे वन ऑक्सीजन वन टेंड्राइड देन सीडो यूनिपोलर पे और जो सेंसर आप देख सकते हो ये होगा सीडो यूनिपोलर तो ये आउटर साइड पे रहेगा ओके तो पांच हजार पे देख सकते हो, हो गया आपका वन डेंड्राइट होता है वन डेंड्राइट एंड आपका जो सेल बॉडी होता है साइड पे आता है ओके ये हो गया वन एक्सन ओके वन एक्सन वन डेंड्राइट ये होगा सीनाप्स करेगा एंड मल्टीपोलर पे क्या होता है ना मल्टीपल डेंडाइट होते हैं तो हमारा सेल सेल बॉडी बॉडी के साइड में डेंड्राइट एंड वन एक्सन होता है ये हो गया मल्टीपोलर ओके okay? okay. इसी फिगर पे देख सकते हो uh, पहले क्या होता है इसी पे क्या हुआ हमारा सेंसर आता है सेंसर ही डेंडाइट है डेंडाइट सेंसर आएगा साइड पे क्या होगा यूनिपोलर यूनिपोलर ओके, देन, देन सिनाप्स न्यूर करेगा, किसके साथ ये होगा एक बीच में रहेगा इंटर न्यूरन राइट ये होगा इंटर न्यूरन, इंटर न्यूरन के बाद क्या आता है इफेक्टर इफेक्टर इफोरेंट ये होगा मोटर न्यूरन ये मोटर न्यूरन रहता है और इसी पे क्या होगा हमारा ग्लांडिया मसल फाइबर ओके ग्लॉडिया मसल फाइबर टोटल पाथवे, तो उसके बाद देखेंगे नीजर की इफेक्ट तो इसी पे आप देख सकते हो ये दोनों का नीजर की इफेक्ट में जो तो की इफेक्ट होता है या आंकेल जर्क टेंडन सब में क्या होता है टू सिनाप्टिक यूज होता है जैसे मोनोसिनाप्टिक एंड बाईसिनाप्टिक तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो की इफेक्ट ओके तो नीजा के रिफ्लेक्स होता है तो इसी फिगर पे देखेंगे तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन कौन सा मसल और कौन कौन सा पार्ट इसी पे इन्वॉल्व हो रहा है तो पहले इसको लेग को देख सकते हो योगा पैटेला बोन और ये टिबिया फिबुला फ्यूमरस देन होता है सुपेरियरली क्या रहता है क्वाड्रेस फ्यूमरिस एंड इन्फेरियरली मसल जो बैक साइड पर रहता है हेमस्टिंग मसल कहता है बाइसेप फ्यूमरिस ओके क्वाड्रिसेप फ्यूमरिस एंड बाइसेप फ्यूमरिस एंड ये होता है हमारा जो इनपुट जो इनपुट होता है जो इम्पल्स इनपुट होता है तो ये हो गया हमारा सेंसरी एंड आउटपुट होता है मोटर और मोटर टू होता है एंड इनपुट वन हुए होता है तो इसी पे आप देख सकते हो तो, डोर्सल रूट गंग्लियन डोर्सल रूट वेंट्रल रूट तो इसी पे टू सिनाप्स फॉर्मेशन करता है जो हमारा सेंसरी रूट आता है टू सीनाप्स फॉर्मेशन करता है तो इसी पे टू न्यूरन का इन्वॉल्व होता है आप देख सकते हो ये होगा मोटोर न्यूरन डायरेक्ट उसी मसल से ही जाएगा जहाँ से हमारा जो सेंसरी इनपुट हुआ था और एक क्या होता है ना इसी पे इंटर न्यूरन यूज होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो इनिबिटोरी एंड एक्सिटेटरी दोनों फंक्शन करता है तो इसी पे ओनली इनिबिटरी एक्शन करेगा देन उसके बाद देखोगे और एक जो मोटर न्यूरन होता है तो जाके नीचे वाला मसल को हो रहा है क्योंकि इसी मसल को रिलैक्स करेगा एंड इसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जाके ना वो फिर फ्रंट साइड होगा मूविंग करेगा कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा तो ये एक्सटेंशन होगा पहले फ्लेक्शन है तो इसी को क्या करता है उसको रिलैक्स करता है और अपर वाला जो क्वाडिस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट जैसे तो एंटागोनिस्ट मसल ये होगा एगोनिस्ट ओके तो इसी पे आप देख सकते हो तो इसी पे हम देख लेते हैं फिर से ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कर्ट अटेला बोन पे हम और पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लेग है फ्रंट साइड जाएगा मीन्स ये एक्सटेंशन होगा फ्लेक्शन पे है एक्सटेंशन हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सेंसरी इनपुट जाएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक फिर उसमें क्या आता है ना टू मोटर न्यूरन आएगा वन डायरेक्ट उसी मसल को ही जाएगा और दूसरा वाला होता है इंटरन्यूरन ये इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा एंड इसी मसल को रिलैक्स कर देगा एंड इसी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जाकर ये मूवमेंट करेगा तो ये हो गया हमारा टोटल नीचर इफेक्ट इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्सेस आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीस